नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन खबरें विस्तार से पहले देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें।
ये अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। संसद परिसर में होगी बैठक। 31 जनवरी से शुरू होगा अंतरिम बजट सत्र। केंद्र सरकार ने परंपरा को निभाते हुए बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने आज सुबह 11:30 बजे सभी दलों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी। इस बार सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करते हैं। तो देखिए, बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अंतरिम बजट से पहले केंद्र सरकार ने ये बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री करेंगे राजनीतिक दलों के साथ बैठक। संसद भवन में सुबह 11:30 बजे आयोजित ये बैठक की जाएगी। संसद का अधिवेशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा अधिवेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अंतरिम बजट। तो वहीं 9 फरवरी 2024 को समाप्त हो सकता है अंतरिम बजट सत्र। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र होगा। बजट सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें आयोजित की जाएंगी। और आपको बता दें कि पुराने संसद भवन में ये बजट सत्र होगा। बजट सत्र का आयोजन जो है वो पुराने संसद भवन में किया जाएगा। तो अंतरिम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री करेंगे राजनीतिक दलों के साथ बैठक। और सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब संसद परिसर में ये बैठक होगी। और बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी से को बजट पेश करेगी और 9 फरवरी को अंतरिम बजट हो सकता है पेश करने का आखिरी दिन। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। आज पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे शामिल। 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को बिहार में प्रवेश किया। आज यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन किशनगंज और अररिया के बाद आज राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी। राहुल गांधी पूर्णिया में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायक, विधान पार्षद, पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूर्णिया पहुंच चुके हैं, ताकि यात्रा को सफल बनाया जा सके। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कटिहार पहुंचेगी। यात्रा को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा के रास्ते पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं। बता दें कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था, लेकिन इससे पहले ही नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो देखिए, बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज अररिया से शुरू होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे अररिया में ध्वजारोहण होगा, उसके बाद गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुबह 8:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया, जब अंबेडकर चौक से यात्रा की शुरुआत होगी और सुबह 11:30 बजे पूर्णिया में विश्राम किया जाएगा। उसके बाद ठीक दोपहर 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली होगी और उसके बाद रैली में पूर्णिया से कटिहार के लिए प्रस्थान किया जाएगा। तो रात में कटिहार के खीरिया गांव में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी।
तो वहीं अगर जिक्र 31 जनवरी का किया जाए तो 31 जनवरी को कटिहार से पश्चिमी बंगाल की मालदा में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 3 दिन में सीमांचल के 4 जिलों में ये न्याय यात्रा निकलेगी और लक्ष्य है न्याय यात्रा का 4 जिलों को कवर करना। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 2रा दिन है। आज राहुल गांधी विशाल जनसभा रैली को भी संबोधित करेंगे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूएस के जॉर्जिया में भारतीय मूल के छात्र की हत्या, विवेक सैनी की हथौड़ा मार करके हत्या का मामला सामने आया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। विवेक सैनी की हथौड़ा मार करके हत्या की गई है। लिथोनिया में एक स्टोर के अंदर किया मर्डर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। कैमरे में कैद हुआ आरोपी जूलियन और अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे विवेक सैनी। और देखिए सीसीटीवी सामने आया है, ये वही सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हथौड़े से वार किया गया है और जो स्टोर में सीसीटीवी लगा था उस सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। हथौड़े से बार बार लगातार सिर पर वार किया गया है और मौत के घाट विवेक को उतार दिया गया है। उस स्टोर के लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। फिलहाल आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, ये सवाल बड़ा यहाँ पर बना हुआ है। ये सीसीटीवी बर्बरता की सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं जो वहाँ पर लगे स्टोर में कैद हुई है। आखिरकार क्या रंजिश थी, क्यों हथौड़े से इतनी बर्बरता के साथ बार बार विवेक पर हमला किया गया और विवेक को मौत के घाट उतार दिया गया, कई सवाल इस घटना के बाद खड़े हो जाते हैं। तो सहकारी विभाग का होगा कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि में के विजन को साकार करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ARDB और RCS कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। तो सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में ये परियोजना पूरी होगी और आपको बता दें कि सहकारी तो सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं कृषि ग्रामीण विकास बैंकों सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं का शुभारंभ। सभी राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ऑफिस की कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सहकार से समृद्धि योजना के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। सहकारी इको सिस्टम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला करके आधुनिकीकरण का लक्ष्य है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ARDB की 1051 इकाई कंप्यूटरीकृत होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के जरिए से जोड़ा जाएगा। RCS ऑफिस में बेहतर दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता और नेशनल डेटाबेस के साथ जुड़ाव। तो उधर नितिन गडकरी का आज जबलपुर का दौरा है। मध्य प्रदेश को 2367 करोड़ की सौगात आज नितिन गडकरी देंगे। 9 योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी। वेटरनरी कॉलेज मैदान में समारोह का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगात देने वाले हैं। नितिन गडकरी 2367 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। वेटरनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो देखिए नितिन गडकरी का हमेशा से यही मकसद रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़े। और इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला। आईएएस जोगिंदर सिंह बने पीलीभीत के डीएम, गाजियाबाद डीएम राकेश का भी ट्रांसफर हुआ है। राकेश सिंह को बनाया गया है कानपुर का डीएम। तो ये इस बीच आ रही बड़ी खबर, यूपी से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कई आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। राकेश सिंह को कानपुर का डीएम बनाया गया है, जो कि गाजियाबाद के डीएम थे पहले, अब कानपुर का डीएम उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई आईएएस अधिकारी हैं ऐसे जिनके तबादले किए गए हैं। आईएएस जोगिंदर सिंह पीलीभीत के डीएम बनाए गए हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव को ईडी का बुलावा, पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल लालू यादव से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। लैंड फोर्ड जॉब मामले में होगी पूछताछ आज तेजस्वी यादव से। लैंड फोर्ड जॉब केस की जांच कर रही ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं पर कल ईडी के पटना दफ्तर में आरजेडी चीफ लालू यादव ने 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लालू से पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जमा हो रहे थे और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। वहीं लालू की बेटी मीसा भारती पूरे समय ईडी दफ्तर के बाहर अपने पिता का इंतजार करती रही और अपने पिता की सेहत का हवाला देते हुए ईडी के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठाती रही। और ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं पटना में, जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं तेजस्वी यादव के। आज तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और ये सीधी पटना से लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर माहौल शांत है, लेकिन समय के साथ साथ हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने बीते दिन भी देखा कि किस तरीके से लालू यादव को जब बुलाया गया तो सुबह के वक्त भले ही सन्नाटा था, लेकिन जब लालू यादव ईडी दफ्तर पहुंचते हैं उसके बाद लगातार आरजेडी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और लालू यादव की बेटी मीसा भारती लगातार ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थी और अपने पिता का इंतजार कर रही थी। तो उधर संजय राउत के भाई को ईडी ने तलब किया है। खिचड़ी घोटाले मामले में पूछताछ होगी। संदीप राउत को आज पेश होने का आदेश। ईडी ने कोरोना महामारी के दौरान हुए खिचड़ी घोटाले मामले में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत को 30 जनवरी को अपने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 18 जनवरी को इसी मामले में इसी गुट के नेता सूरज चौहान को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। आज खोली जाएगी फिल्म सिटी के लिए टेक्निकल बिड। बिड के लिए 4 कंपनियों ने क्वालिफाई किया है। चारों कंपनियों के ने प्रेजेंटेशन दिया था और चारों कंपनियों की कोशिश थी कि बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन दिया जाए, वही चारों कंपनियों ने किया। यमुना अथॉरिटी में खोली जाएगी फाइनेंशियल बिड। बिड के बाद तय होगा कि कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, किस कंपनी को क्या जिम्मेदारी दी जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम आपको। और इसी के साथ आपको जानकारी साझा कर दें कि यमुना अथॉरिटी में खोली जाएगी फाइनेंशियल बिड। बिड के बाद ही ये तय होगा कि किस कंपनी के पास क्या जिम्मेदारी जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।